48 साल बाद रूस विश्व कप में लगातार दूसरा मैच जीता, 84 साल बाद मेजबान देश ने दो मैच में 8 गोल किए। 1934 में मेजबान इटली ने भी अपने शुरुआती दो मैच में 8 गोल किए थे। वर्ल्ड कप में 1990 के बाद मिस्र ने अपना पहला गोल किया। मोहम्मद सलाह गोल करने वाले मिस्र के तीसरे खिलाड़ी हैं। सेंट पीटर्सबर्ग विश्व कप के ग्रुप ए में मेजबान रूस ने मिस्र को 3-1 हरा दिया। विश्व कप में रूस की टीम ने 1970 तत्कालीन सोवियत संघ के बाद पहली बार लगातार दो मैच जीते हैं। इससे पहले रूस अपने पहले मैच में सऊदी अरब को 5-0 हराया था। रूस की ओर से डिज्यूबा और चेरिशेव ने गोल किए। मिस्र के कप्तान ने आत्मघाती गोल किया। मिस्र के लिए मोहम्मद सलाह ने गोल किया। 28 साल और 3 मैच बाद मिस्र का विश्व कप में ये पहला गोल है। इससे पहले 1990 में नीदरलैंड के खिलाफ एक गोल किया था। पहला गोल हाफ टाइम के बाद 47वें मिनट में रूस के जोबनन ने गोल करने के लिए शॉट मारा, जिसे बचाने के प्रयास में मिस्र के कप्तान अहमद फथी ने अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को डाल दिया। ये इस विश्व कप का 5वां आत्मघाती गोल है। 2014 में 64 मैच में 5 ही आत्मघाती गोल हुए थे। 1998 विश्व कप में सबसे ज्यादा 6 आत्मघाती गोल हुए हैं। दूसरा गोल 58वें मिनट में रूस के चेरिशेव को फर्नांडो ने पास दिया, जिसे उन्होंने 6.4 मीटर की दूरी से गोल पोस्ट में डाल दिया। चेरिशेव का इस विश्व कप के दो मैच में ये तीसरा गोल था। उन्होंने पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बराबरी कर ली। हालांकि रोनाल्डो ने सिर्फ एक ही मैच खेला है। तीसरा गोल रूस के लिए तीसरा गोल अर्टेम डिज्यूबा ने 62वें मिनट में किया। उन्होंने बॉक्स के बाहर से गेंद को लाकर मिस्र के गोल पोस्ट में डाल दिया। चौथा गोल मैच के 72वें मिनट में रूस के जोबनन ने सलाह को बॉक्स में खींचकर नीचे गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी ने मिस्र को पेनल्टी दे दिया। सलाह ने 73वें मिनट में पेनल्टी से विश्व कप में अपना पहला गोल किया, लेकिन तब तक मिस्र के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सलाह पहले हाफ में केवल 19 बार गेंद को छू पाए। दूसरे हाफ वे आक्रामक हुए, लेकिन मैच हाथ से निकल चुका था। मिस्र ने 13 बार गोल का प्रयास किया, लेकिन एक ही बार सफल हुआ। मिस्र के त्रिजुगुएत को मिला मैच का पहला येलो कार्ड। मैच का पहला येलो कार्ड 57वें मिनट में मिस्र के त्रिजुगुएत को मिला। उसके बाद रूस के स्मोलोव को 84वें मिनट में रेफरी ने रेड कार्ड दिखाया। मिस्र ने 64वें मिनट में एलने की जगह वारदा, 68वें मिनट में त्रिजुगुएत की जगह रमादान और 82वें मिनट में मरवान की जगह कहरावा को मैदान पर उतारा। वहीं रूस ने सबसे पहले 74वें मिनट में चेरिशेव की जगह कुजीएव को मैदान पर भेजा। उसके बाद 79वें मिनट में डिज्यूबा की जगह स्मोलोव और 86वें मिनट में जिरकोव की जगह कुद्रियाशोव को मैदान पर उतारा।